हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई बहुत 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 स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं मतलब एक और भोकाल गाड़ी, मतलब इसका भी दबदबा मार्केट के अंदर नेक्स्ट लेवल ही है। तो ये है महिंद्रा बोलेरो। अब बोलेरो के नाम से ही किसी को समझाने की जरूरत नहीं कि ये गाड़ी क्या है, कहाँ पर जस्टिस करती है, किस सेक्टर में ज़्यादा यूज करते हैं बंदे इसको। तो ये अपने आप में ही एक मतलब स्टेटस सिंबल ही है भाई। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखो बस ऊपर लिखवाने की जरूरत है भारत सरकार, और इस गाड़ी को फिर उड़ते हुए देखो आप, ग्लाइड करती है ये। तो ये बोलेरो है, ये इसका B6 ऑप्शनल है, काइंड ऑफ टॉप सेलिंग वेरिएंट भी है। और इसकी कीमत की बात करें तो ये आपको मोटा मोटा 12,20,000 के समथिंग आज के टाइम में ऑन रोड पड़ती है टिल 2022। अगर कभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम बस 19-20 थोड़ा बहुत फर्क जरूर मिलेगा प्राइसिंग में, क्योंकि दिन पे दिन थोड़ा बहुत 19-20 प्राइस चेंज हो ही जाते हैं किसी भी गाड़ी के। तो ये आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर कर देती है वो इस वीडियो में आपसे शेयर कर देंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको ये गाड़ी पसंद है तो एक ब्यूटीफुल सी कमेंट जरूर छोड़ना कमेंट्स में। और अभी गाड़ी की चाबी स्टार्ट करते हैं, ये गाड़ी आपको क्या क्या ऑफर कर देती है। ये है गाड़ी की चाबी। अभी फिलहाल आपको गाड़ी के साथ एक ही चाबी देखने के लिए मिलती है जब आप ये गाड़ी की डिलीवरी लोगे, बट जब आप ले लेते हो तो उसके कुछ टाइम बाद आपको सेकेंडरी की भी अपनी अवेलेबल हो जाती है, जिसमें सेंट्रल लॉकिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगी। बट फिलहाल अभी ये ही चीज़ें मिल रही हैं आपको, और ये पुराने लोगों वाली आई। तो अब भी आपके पास मौका है भाई, क्या पता सिर्फ लोगों की वजह से आपको इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि बंदों को रहता है भाई, जब कोई नई चीज़ मार्केट में आ जाए ना तो नई की तरफ ही भागते हैं, फिर पुरानी वाली पे फिर आपको अच्छा मौका मिल सकता है भाई अगर आप चाहते हो तो। तो ये है गाड़ी की चाबी, इस पर कोई सेंट्रल लॉकिंग वगैरह नहीं है, बाकी यहाँ से डलेगी इग्निशन में चाबी। इसके चारों तरफ आपको इल्यूमिनेशन भी मिलती है, रिंग जो आप देख रहे हो। अब यहाँ से डालते हैं इसे और एक बार ऑन कर देते हैं तो अपना ये ब्लोवर वगैरह ऑन हो जाते हैं। ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो मिलता है आपको महिंद्रा केनवुड का, तो ये यहाँ पे ऑन हो जाता है, सिंपल सा ही है। यहाँ पे USB वगैरह का वो मिल जाता है आपको सपोर्ट इस तरह से, और ऑक्स का सपोर्ट है तो इसके अंदर मिल जाता है, वो बात करेंगे आगे। ये ऑन हो जाता है और अभी देखना जब इसे सेकेंड टाइम ऑन करते हैं तो किस तरह से ग्लो करता है क्लस्टर। ये कुछ इस तरीके से ग्लो करता है तो आप देख सकते हो। और ये टेम्परेचर, फ्यूल और ये स्पीड, RPM वगैरह, ये सारी चीज़ जितनी भी आप देख रहे हो, जैसे कि ये है टाइम, गियर, ट्रिप टाइम, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको यहाँ पे मिलती हैं ये कुल मिला के ये सब रेड कलर के अंदर ही मिलती हैं। जितनी भी इंडिकेशंस हैं ये सब रेड लाइट के अंदर ही मिलेंगी आपको। 5,000 तक की RPM है, टॉप स्पीड यहाँ पे दिखती रहेगी कितने किलोमीटर पर आ गई स्पीड से गाड़ी चल रही है। ये फ्यूल है, इंडिकेटर्स वगैरह की प्लेसमेंट यहाँ पे है, जैसे कि ये आप देख सकते हो, आपको दिखेगा नहीं वैसे तो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, मतलब बेसिक सी गाड़ी है बट रफ ट्रेन के मतलब की है। यहाँ पे मिलते हैं वाइपर्स के कंट्रोल कुछ इस तरीके के, और यहाँ पे मिलते हैं हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स कंट्रोल। और अब स्टीयरिंग की बात करें तो ये देखो भाई, कुछ इस तरीके का मिलता है स्टीयरिंग व्हील। और कुल मिला के इस गाड़ी की जो फील है ना वो नेक्स्ट लेवल ही है। लगती ये भी उतनी भोकाल है भाई, मतलब कि लगता है ऐसा ही है कि भाई ये भी कूद गई जाएगी और चली भी जाती है। इसका तो बोनट व्यू ही जानलेवा है भाई साहब, ये देखो मतलब दिखता ही ऐसा है कि भाई ये ऊपर से ही जाएगी सीधा। तो ऐसा नहीं है कि आपको सीट ऊपर करनी पड़े, नीचे करनी पड़े, मस्त बैठ के जाओगे, आपको सब चीज़ क्लियर दिखेगी, मतलब निकलती हुई घूमती हुई साफ दिखती है। तो ये है स्टीयरिंग व्हील महिंद्रा का पुराना वाला लोगो स्टिल यहाँ पे है। यहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह आपको नहीं मिलती है, ये सिर्फ ऐसा ही मिलेगा आपको। यहाँ पे लाइट लेवल डायल है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन है, नीचे एक साइड आप देख सकते हो 3 पैडल्स, एक्सलेशन ब्रेक क्लच, डेड पैडल के लिए ऐसी कोई खासी प्लेसमेंट नहीं मिलती है। ये कुछ ऐसा मिलता है डैशबोर्ड अपना, थोड़ा सा कॉफी कलर के अंदर है, थोड़ा डार्क ब्राउन। यहाँ पे शेड्स मिलते हैं एसी वेंट्स के चारों तरफ, ये कुछ ऐसे मिलते हैं एसी वेंट्स। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, एसी मिलता है इसके अंदर, ये डिफॉगर की बटन यहाँ पे मिलती है, एक 12 का चार्जिंग सॉकेट है, थोड़ी स्पेस, 5 फीट का मैनुअल गियर लीवर कुछ इस तरीके का मिलेगा, 2 कप होल्डर्स हैं यहाँ पे, हैंड ब्रेक है, और चारों पावर विंडोज यहाँ पे मिलती हैं। अब ये चारों कंडोज आपको यहीं पे मिलते हैं, डोर्स पे नहीं मिलते हैं। तो इससे भी एक आइडिया लगा सकते हो आप कि महिंद्रा को कितना भरोसा है कि बंदे इससे ऑफ रोडिंग करेंगे ही करेंगे भाई, वो ख़राब ना हो जाए इस चक्कर में। पूरा कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है, और एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है, एक सफिशियंट सी स्पेस मिल जाती है, अपना पेपर वर्क आप रख सकते हो ईजिली।
यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर वगैरह आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे एक मैनुअल डिमिंग IRVM की प्लेसमेंट है और इधर की साइड को टिकट होल्डर वगैरह नहीं है। माइक की प्लेसमेंट है, रूफ पे मिलती है कुछ इस तरीके की येलो लाइट और ये पूरा इंटीरियर आप देख सकते हो, मतलब बेज ही बेज मिलता है सारा कुछ, तो ये काफ़ी खुली खुली सी लगती है। और बाकी भाई इसके कटन क्रीजेज है ना गाड़ी के, वो तो है ही खतरनाक। तो अब ये सीट को मैं मेरी हाइट के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट और फिर पीछे चलते हैं, पीछे स्पेस वगैरह की बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो गाड़ी बहुत इस्तेमाल होती है, हमें देखना है कि घर के पर्पज से ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। तो चलते हैं पीछे। सो पीछे जाने से पहले भी डोर पैनल के बारे में बातचीत करें तो ये देखो भाई बिल्कुल एकदम रगेड फील देती हैं छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ पे थोड़ी स्पेस वगैरह आपको मिल जाती है, बोतल वगैरह तो नहीं आएगी बट स्पेस मिल जाती है, ये कुछ इस तरीके का मिलता है। काफ़ी रफ एंड टफ अपना डोर लिवर, ये क्रैब हैंडल की प्लेसमेंट आप देख सकते हो, ये पूरा यहाँ पे लेदर सा वर्क देखने को मिलता है डोर पैनल पे। और ये डोर देखो आप बिल्कुल एकदम लगता है भाई लोहा, बिल्कुल एकदम सॉलिड लोहा। तो चाबी निकाल लेते हैं यहाँ से और ये सीट कर लिए मैंने मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट, और इसकी एडजस्टमेंट वगैरह भी आप देख सकते हो भाई, किसी भी तरीके से देख लो भाई आपको देख के ये लगेगा कि भाई ये सही में गाड़ी ही है ना या फिर कुछ बंदों के लिए बनाई है ना, बिल्कुल ऐसी लगती है कि भाई क्या ही बताऊँ, बस फुल रफ गाड़ी है एकदम से। और इसकी जो स्लाइडेबल पोजिशन है वो आप यहाँ से सेट करोगे और यहाँ से अपना रिक्लाइन एंगल वगैरह सेट कर लोगे, फुटरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं गाड़ी को। और अभी दिखाता हूँ पीछे, तो ये है जी ये सेम वो डोर लिवर, मतलब इस चीज़ को भी आप फील करोगे ना तो ये भी आपको मतलब ऐसा फील कराएगी भाई हाँ किसी रगड़ चीज़ के अंदर बैठे हो। पावर विंडो कंट्रोल मिल जाती है पीछे वाले बंदों के हाथ में, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई आगे सही करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे बोट होल्डर वगैरह नहीं है। बाकी अभी चलें अंदर, तो यहाँ ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट है और अंदर चलें भाई वाह भाई सब मज़ेदार एकदम, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। मतलब ये देखो पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, पहली बात तो डैशबोर्ड का व्यू और मतलब थाई रूम वगैरह। मेरी हाइट जो है 5'9" है और मैं अपनी हाइट के हिसाब से बता रहा हूँ भाई कसम एकदम, मतलब नीचे कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरे पास आप हेड रूम वगैरह देख सकते हो बहुत गजब का, और यहाँ पे कोई रीडिंग लाइट वगैरह नहीं मिलती, पीछे एक ही रीडिंग लाइट मिलती है, वो यहाँ पे 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। और पीछे सीट्स वगैरह मिलती हैं वो दिखाऊंगा अभी पीछे से, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एडजस्टेड हेड रेस्ट है। कप होल्डर की प्लेसमेंट तो नहीं है बट आर्म रेस्ट की प्लेसमेंट आपको जरूर से मिल जाती है। और ये देख सकते हो कोई हम्प है ही नहीं गाड़ी के अंदर, 3 बंदे इजीली बैठ कर जाएंगे। और भाई फील क्या नेक्स्ट लेवल है, मतलब लगता है भाई अब बैठे हो किसी ऊंची चीज़ पे। तो ये है जी पीछे पॉकेट्स वगैरह मिल जाती हैं दोनों ही सीट्स पे शानदार। और मतलब कुछ कुछ बंदे हैं भाई इसको इतना तगड़ा मॉडिफाई करा देते हैं गाड़ी चलती हुई भी दिखती है रोड पर कि कोई चीज़ जा रही है। तो ये अभी पीछे बूट और दिखाता हूँ आप। तो अभी गाड़ी के बूट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो भाई, मतलब इस दरवाजे को खोलना ही अपने आप में मतलब फील देता है कि भाई हाँ कोई चीज़ ली हुई है। और यहाँ पे मिलती है फ्रंट फेसिंग सीट्स आपको, बाकी अगर आपको यूज़ नहीं करनी है तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 300-350 लीटर्स के आसपास की बूट कैपेसिटी। टूल किट वगैरह अपनी कुछ इस तरीके से असेंबल मिलेगी यहाँ पे। और ये देखो पीछे कुछ ऐसे देखो, और यहाँ पे डोर पैनल्स पे आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, डोर लिवर की प्लेसमेंट है और यही है जी बस। और ये देखो लोहा लाट चीज़। और अभी बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से। अभी बात करते हैं कि ये महिंद्रा का बुलडोजर आपको क्या क्या चीज़ ऑफर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई इसकी जो लुक है ना थोड़ी बॉक्सी प्रोफाइल जो इसको मिलती है, फिर इसकी मतलब लगती है भाई इंडियन जी वैगन लगती है, फील देती है गजब की, मतलब अलॉय वगैरह डलवाओ इसके अंदर ये रोड पे चले और बंदा मुड़ के ना देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और थोड़ा शोर शराबा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि ऑन रोड बिल्कुल शोरूम है और थोड़ी गंदी भी हो रही गाड़ी तो उसको प्लीज माइंड मत करना। अभी फ्रंट से स्टार्ट करें तो आप हेलोजन बेस अपना मिलते हैं, हेडलैम्प का सेटअप, ये पार्किंग लाइट इंडिकेटर, ये इसके DRL मिलती है भाई, इसे देखो बहुत ज़्यादा शानदार, मतलब ये काइंड ऑफ पार्किंग लाइट है। कुछ चीज़ें रह गई हैं इसमें से, अब जैसे कि पहले ऑप्शन के अंदर फॉग लैंप्स आते थे, अब वो कंपनी ने हटा दिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अभी स्टिल वही पुराना वाला लोगो है, कुछ इस तरीके की मिलती है नई ग्रिल। वैसे अभी जो नई बुलेरो आने वाली है उस पर सिर्फ लोगो का ही चेंज मिलेगा आपको, बाकी सारी चीज़ें सेम ही मिलने वाली हैं। और ये सामने से मतलब पूरा ये अपना मेटल का बम्पर मिलता है स्टिल आज 2022 में भी, जहाँ कंपनियाँ थोड़ा प्लास्टिक पर ज़्यादा शिफ्ट हो रही हैं, ये स्टिल आज के टाइम में भी अपना लोहे का मटीरियल लगाते हैं महिंद्रा। और ये है गाड़ी के डायमेंशन देख लेना कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है। टायर सेक्शन की बात करें तो गुड़ियर के टायर्स हैं और 215/75 R15 के कुछ ऐसे मिलेंगे स्टील व्हील, और ये कुछ ऐसे व्हील कैप्स आते हैं आगे जिस पीछे ड्रम ब्रेक्स आपको मिलेंगी बहुत गजब के स्टिकर वगैरह हैं। और ये मिलते हैं बॉडी कलर्ड ORVMs, अब ये एडजस्ट तो आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे, अंदर से कोई एडजस्टमेंट नहीं है इनकी, बाकी बॉडी कलर्ड मिलते हैं तो ऑकवर्ड नहीं लगते हैं। अपना एंटीना की प्लेसमेंट है भाई ये देखो ओल्ड स्कूल टाइप, मतलब ये गाड़ी ऐसी है जिस दिन से मार्केट में आई है स्टिल आज तक बंदों को इतनी ही प्यारी लगती है। ये फुटरेस्ट वगैरह आता है इस गाड़ी के साथ, ये कुछ इस तरह के मिले हैं अपने डोर हैंडल्स, यहाँ से अपना खोल सकते हो गाड़ी के दरवाजे। और ये है पीछे से प्रोफाइल गाड़ी की, देखना भाई क्या लगती है यार ये,
मतलब ये देखो, ये छोटी छोटी चीजें भाई, मतलब फील देते हैं भाई कोई है चीज है। पीछे से कुछ ऐसे मिलते हैं, ये भी हेलोजन बेस ही है वैसे तो, बट ये ट्रांसपेरेंट है, ये देख सकते हो आप। टेल लैंप्स कुछ इस तरीके के, पीछे दो पार्किंग सेंसर जो आप देख पा रहे हो, एक और दो। यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है, फुट रेस्ट मिलता है इस गाड़ी को, और ये पूरा व्हील कैप मिलता है जहाँ पे बोलेरो लिखा हुआ मिलेगा आपको, बहुत शानदार। यहाँ पे पीछे वाइपर भी है, स्टॉप लैंप भी डिफॉगर नहीं है बस। और ये देखो पीछे से भाई क्या गजब लगती है यार ये। और सिर्फ इधर की साइड मिलेगी आपको वेजिंग बोलेरो B6, और ऑप्शनल का आपको सिर्फ स्टिकर वगैरह से पता चल जाएगा। और अभी गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट दिखा देते हैं आपको भी, भाई इंजन कंपार्टमेंट कैसा है इस गाड़ी का। तो अब इस गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो भाई, इसे कहते हैं इंसुलेशन पैडिंग, मतलब सारा का सारा कवर किया हुआ अंदर की साइड से। और यहाँ पे मिलता है 1498 cc का 3 सिलेंडर डीजल इंजन, 74 bhp निकालता है, 210 का टॉर्क मिलता है इसमें आपको, 16 mileage कंपनी क्लेम करती है 60 liter के फ्यूल टैंक से। और ये आप देख सकते हो भाई इंजन कंपार्टमेंट, एमरॉन की बैटरी मिलती है, थोड़ी रेत वगैरह है इसके ऊपर, प्लीज़ उसको माइंड मत करना क्योंकि ऑन रोड खड़ी हुई है। और मैं तो ये मानूंगा भाई मस्त लगती है ऐसे ये गाड़ी, मतलब या तो साफ हो या फिर गंदी हो, चकाचक लगती है एकदम। और इसे बंद कर लेते हैं एक सेकंड, फिर मिलते हैं। सो ये थी आपके सामने महिंद्रा बोलेरो। अगर आप एक 7 seater ऐसी प्लान कर रहे हो ना भाई, जो धांसू लगे कहीं से भी, एक रफ एंड टफ SUV वाली फील दे, तो ये आपके लिए हो सकती है। ये देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट सेक्टर में यूज होती है, कुछ कुछ आज के टाइम में भी ऐसे, मतलब टीनएजर्स भी हैं, ऐसे यंगर बंदे भी हैं, मतलब जिनका शौक है भाई बोलेरो लेना, फिर उसको ऐसी मॉडिफाई करवाना खतरनाक कि भाई दिखे रोड पे, तो आप भी उनमें से, तो प्लीज़ लाइक जरूर करना वीडियो को, और अच्छे लगे तो वैसे भी शेयर कर देना। अगर फिर मिलते हैं इसी वीडियो में, बाय बाय।